जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आप बने हैं जेपी क्लासेस में। एक बार फिर मैं जयप्रकाश यादव आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की क्लास में ज्योग्राफी फिर से चलेगी, जो कि पहले पढ़ हम चुके हैं। क्लास आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, एक केवल ग्राफ में। किस में? एक ग्राफ में, एक केवल उसमें मैं आपको पूरे ग्रहों की परिभ्रमण, घूर्णन जितना भी है, कितने दिन में घूर्णन कर देता है, कितना दिन में घूम लेता है, सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सभी ग्रहों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे छोटा सबसे बड़ा ग्रह भी आपको पता चल जाएगा, क्या कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कितने दिन में कौन सा ग्रह चक्कर लगा लेता है। तो इस ग्राफ को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आपका इस पूरे सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक, तो इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने सभी, एक प्रकार से आज की क्लास आप सोच लीजिए कि यह एक बहुत बेहतरीन क्लास हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि एक ग्राफ में आपको केवल, मैं ये चीज़ लेके आया हूँ कि एक केवल ग्राफ में आपको पूरा दिमाग में आपका सेट हो जाए। तो क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, बने रहना है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हो, जय श्री राम। चले शुरू करें। चलिए भैया, तो क्या है सौर मंडल? पहले वाली क्लासेस में मैंने क्या बताया था सौर मंडल के बारे में, पढ़ाते आ रहा हूँ और आज भी मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, सभी क्लासेस चल रही हैं। सभी क्लासेस में ये है कि आपको पर डे ज्योग्राफी की क्लास मैं ले रहा हूँ और सबसे बेहतरीन बता रहा हूँ। रीजनिंग के भी क्लासेस इसके बाद फिर चलेंगी, आप बने रहिए। एक एक चीज, एक एक चीज़ पर पांव रखिए, जो कि आप ज्योग्राफी पहले पढ़ लीजिए, जिससे कुछ क्वेश्चन आते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। केवल आपको पहले पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि कैसी क्लासेस चल रही हैं। तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सौर मंडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम, क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। इसका पूरा नाम सोलर सिस्टम, क्या? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। इसको ग्राफ में कैसे आप देखेंगे? आपको क्या करना है, यहां पर देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूं एक प्रकार से। बबुआ यहां तक दिख रहा है, सभी ग्रहों के बारे में इसमें डिस्कस होगा। बहुत बेहतरीन बनेगा ये ग्राफ और बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, एक ग्राफ में पूरा आपको, पूरा सौर मंडल का भविष्य एक ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कि कैसे क्या है, किस दृष्टि से इसे बड़ा कहा जाता है, किस दृष्टि से इसे छोटा कहा जाता है। तो आप पहले कॉपी, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। पिछली वाली क्लासेस में ये सब मैंने, आज फिर मैं वही चीज़ दोबारा डिस्कस कर लूँगा। ठीक, आप बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास देख के जाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए पहले हम रखते हैं ग्रह को, क्या रखते हैं? ग्रह लिखते हैं। ग्रहों में हमको लिखना क्या है बबुआ? इतने में लिखो कि पूरे में आ जाए। ठीक, ये हो गया आपका ग्रहों का खाना। किसका हो गया? ग्रहों का। जगह इसमें ग्रह लिखेंगे, जो कि आपके सब मैं बता रहा हूँ। व्यास लिखेंगे, व्यास, क्या? व्यास, जो कि आपके किस में है? किलोमीटर में। किलोमीटर में कोई चीज़ बड़ी वो नापा जा रहा है, किलोमीटर में हम इसको रखेंगे। ठीक, बेहतरीन से। अब यहाँ पर परिभ्रमण कहें या परिक्रमण, परिभ्रमण कहें या घूर्णन कहें, दोनों एक है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं घूर्णन परिभ्रमण। मैं आपको कल बताया था, कल की क्लासेस में सब मैंने बताया था, डिस्कस पूरा कर चुका हूँ। आज की क्लास में फिर मैं कर लूँगा डिस्कस। ठीक, इतने में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर परिक्रमण, क्या? परिक्रमण, परिक्रमण, इसको मैंने आपको बताया था कि कौन सा ग्रह कितने दिन में परिक्रमण कर लेता है, कितने दिन में क्या कर लेता है, इसकी अवधि कितनी है, कितनी अवधि में है, क्या समय कितना लेता है, घूर्णन का समय कितना होता है। यहाँ पर हम घूर्णन समय लिख देते हैं, समय लिख देते हैं, और यहाँ पर अवधि किस में होगी, दिन में अथवा वर्ष में, क्या लिख दें? अवधि में, हम हमारे दोनों आ जाएंगे, अवधि, अवधि, क्या हो गया? अवधि। ऐसे आप बनाएंगे। और उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों,
उपग्रहों की संख्या, क्या उपग्रहों की संख्या, सभी उपग्रहों में कौन सा उपग्रह में कितनी संख्याएं हैं, कितने उपग्रह हैं, हमारे पृथ्वी में कितने उपग्रह थे, कितना क्या था, सारे डिस्कस मैं कर चुका हूं, जो कि आपको बने रहना है पर डे देखिए आप क्लास, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी में से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रहों से पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। CHSL CAGL में ये सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रहों के पेपर में, SSC के पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ज़रूरी क्लास हो सकती है। ठीक, सभी क्लासेज आप देखिए, सभी एग्ज़ामों के लिए बेहतरीन चल रही हैं, ज्योग्राफी आपको बिल्कुल समझ में आएगी, बने रहिए पढ़े देखिए आप क्लास बस। ठीक, चलिए उपग्रहों की संख्या हो गई, ग्रह हो गए, हम पहले ग्रह लिखते हैं, पहला ग्रह कौन सा है भैया, बुध, कौन सा है, बुध, बुध का देखते हैं, यहाँ हम बुध लिख लिए। दूसरा है हमारा शुक्र, शुक्र हो गया, क्या है दूसरा, शुक्र। ये ग्राफ आपको दिमाग में रखना है जो कि बिल्कुल समझ में आएगा। और तीसरा है हमारा पृथ्वी, क्या है, तीसरा हमारी पृथ्वी है। ठीक, हम सभी ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे इनके सब के बारे में, इनके व्यास दृष्टि सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ठीक, पृथ्वी हो गई, चौथा है हमारा मंगल, क्या है, मंगल, मंगल। ठीक, बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक, शनि, क्या है भैया, शनि, दिख रहा होगा यहाँ तक, शनि। फिर क्या है, अरुण, अरुण, अरुण। फिर क्या है, वरुण, क्या है, वरुण, वरुण। ठीक, लास्ट हमारा हो गया वरुण। देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बिल्कुल, आप बताइए दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये चीज़, ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं इनका व्यास, इनकी व्यास की दृष्टि से हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमेशा कभी कभी व्यास की दृष्टि से पूछ लेता है, कभी कभी दिन की दृष्टि से पूछ लेता है, कभी कभी परिक्रमण की दृष्टि से पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से दो ग्रह हैं जिनकी कोई ग्रह उपग्रह ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो दृष्टि आपको देखना है, यहाँ पर पूरे ग्राफ में आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक बार में, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, सभी ग्रह को आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए बुध के बारे में हम देखते हैं, तो व्यास, इसका व्यास कितना है, ये बना लिए, व्यास इसका कितना है, तो व्यास इसका 4878 किलोमीटर, साफ सुथरा लिखा है किसमें है, किलोमीटर में, 4878 किलोमीटर इसका क्या है, 78 किलोमीटर इसका व्यास है, 4878 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है, इसका व्यास इतना है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, घूर्णन समय, क्या, अपने घूर्णन समय, अपने घूर्णन में बताया था, जो अपने दर पर, जो अपने दर पर घूमे उसे हम घूर्णन कहते हैं, क्या, या घूर्णन या परिभ्रमण, क्या कहते हैं, परिभ्रमण या घूर्णन के नाम से जानते हैं। और जो किसी चीज का, जो किसी, अब हम कैमरे का चक्कर लगाएंगे या किसी चीज का चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे उसके चारों ओर, तो उसे हम क्या कह देंगे कि यह परिक्रमा कर रहा है, क्या कर रहा है, परिक्रमा। जो कि देखिए तो घूर्णन समय इसका क्या है, बुध का घूर्णन समय है 58 दिन 6 घंटे, कितना, 58 दिन 6 घंटे, ये पॉइंट लगा है, 58 दिन हो गया ये, और ये 6 घंटे हो गया, क्या हो गया, 58 दिन 6 घंटे इसका घूर्णन समय है। बुध अपने अपने जगह पर 58 दिन 6 घंटे में पूरी परिक्रमा कर लेता है, अपना अपना घूर्णन कर लेता है, मतलब अपने दर पर घूम लेता है, कितने कितने दिन में, 58 दिन 6 घंटे में बुध अपना
घूर्णन कर लेता है, अपने दर पर घूम लेता है। अब बात करते हैं यह सूर्य की कितने दिन में चक्कर लगाता है, सूरज का बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, परिक्रमण। क्या कहेंगे, परिक्रमण, जिसको जो है 88 दिन। कितना है, 88 दिन में बुध पूरे सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। कितना लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, जो कि इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो उपग्रहों की संख्या कितनी है भैया, जीरो। कितनी है, जीरो। पहले इसके उपग्रह थे, लेकिन क्या हुआ, सूर्य ने निगल लिया, खा लिया इनके उपग्रहों को, शुक्र और बुध के उपग्रहों को सूर्य ने निगल लिया, मतलब ली लिया। ठीक, अब चलिए बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है, शुक्र का व्यास कितना है, 12104। कितना हो जाएगा, 12104 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है शुक्र का, 12104 किलोमीटर। किलोमीटर यहां दर्शा दिया हूं पहले से मैं, सभी चीज किलोमीटर में ही होंगे, आपके सभी व्यास किलोमीटर में होंगे। कितना इसका व्यास है, 12104 किलोमीटर इसका व्यास है। और यह घूर्णन कितने दिन में कर लेता है, ये बहुत लुसफुसाहा है, जिसको कहते हैं बहुत साला ढीला। क्या है, बहुत ढीला है शुक्र, जो कि सबसे देर में चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, सबसे देर में चक्कर लगाता है, सभी ग्रहों के देर में सबसे देर में चक्कर लगाता है। तो इसका कितना वो है, देखिए ये अपना घूर्णन कितने दिन में, अपना घूर्णन क्या कर लेता है, अपने घूर्णन पर ही कितने दिन में सबसे लुसफुसाहा, मतलब धीरे धीरे घूमता है, बहुत धीरे धीरे घूमता है। सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह है हमारा घूर्णन की दृष्टि से, घूर्णन के समय में। तो ये कितने दिन में लगाता है अपना एक घूर्णन, एक परिभ्रमण अपना कितने मिनट में करता है, कितने घंटे में, कितने दिन में करता है, देखिए। तो इसका परिभ्रमण कितना है, 245 दिन, तकरीबन 245 दिन। कितना है, 245 दिन, 245 दिन लेता है यह घूर्णन करने में। क्या करने में, घूर्णन करने में, अपनी अक्ष पर, अपने जगह पर यह घूमने में 245 दिन लेता है। कितना लेता है, घूर्णन करेगा यह 245 दिनों में अपना घूर्णन करता है, धीरे धीरे। कितना करता है, धीरे धीरे। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं कि ये परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है। तो परिक्रमा यह सूर्य का परिक्रमा यह करता है 224 224 दिन, 224 दिन, 224 दिन 7 घंटा। कितना, 224 दिन 7 घंटा। इससे अभी क्वेश्चन भी बनेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा, क्वेश्चन भी जैसे बनेंगे वैसे यही एक ग्राफ से मैं पूरे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या हैं, कितने ग्रह, कितने उपग्रह, सभी के बारे में केवल यही ग्राफ आपको केवल यहाँ पर सेट कर लेना है, और चुपचाप जा करके कॉपी में या एग्ज़ाम में लिख करके चले आना है, बेफिक्र हो करके, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, अब इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, शून्य। कितनी है, इसके उपग्रहों की संख्या शून्य है। क्या है, उपग्रहों की संख्या शून्य है। कितना है, कोई उपग्रह नहीं है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, शुक्र के बारे में मैंने बताया था, दिनकर, दिन, चांद का तारा, सांझ का तारा, इसे ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्रह, तारा, कुछ भी, इसे ही कहा जाता है। ठीक, क्या है, इसे ही कहा जाता है। चमकीला होता है, CO2 की मात्रा इसमें अधिक होती है। क्या होती है, CO2 की मात्रा शुक्र में अधिक होती है। अब चलिए बात करते हैं पृथ्वी माता जी की। पृथ्वी की बात करें तो यह अपने ये जो है व्यास इसका कितना है, व्यास इसका तकरीबन, यह एक जियो टाइप में है। क्या है, हमारी जो ये पृथ्वी है यह गोली नहीं है। कुछ लोगों ने आया, उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये एक जियोड टाइप में है। किसमें, जियोड टाइप में। इसको एक ऐसे दे दिया गया कि यह पृथ्वी कहीं कहीं पर ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, तो ऐसे बनी हुई है। तो इसको एक फॉर्म में दे दिया गया कि यह गोल है। क्या है, यह गोल है। तो ये हमारी ज्योग्राफी यही बनती है,
जियोड से, जियोड हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जियोड है क्या है, जियोड टाइप में है, किस में है हमारी पृथ्वी, जियोड टाइप में। तो यहाँ पर इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास तकरीबन 12756 से 12714 तक, 12714 से 12756 तक इसका व्यास है। लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए, 12756 ही लिखिए, क्या लिखिए, 56 ही लिखिए, ठीक, 12756 से 12714 तक इसका व्यास है, क्या है, व्यास है। भाई कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं पर वो है, तो उसका कितना हो जाएगा व्यास, एक दृष्टि से 12756 है पृथ्वी का, ठीक। अपने यह घूर्णन कितने समय पर कर लेती है, जो कि घूर्णन यह करती है, मेन इसका एग्जैक्ट है, 23.9, मतलब 23.9 मिनट, कितना है, 23.9 मिनट, जिसे हम 24 घंटा कहते हैं, लिख लीजिए 24 घंटा, इसको पूरा पूरा लिखिए, कितना करती है, 24 घंटे में यह घूर्णन कर लेती है, जिससे कि इसे दैनिक जीवन भी कहा जाता है, दैनिक दिन भी कहा जाता है, दैनिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अपने समय पर यह घूर्णन कर लेती है, परिभ्रमण करती है, जिससे दिन रात होता है, क्या होता है, दिन रात जो होता है हमारा 24 घंटे का, उसे ही हम कहते हैं घूर्णन अपने समय पर कर लेना। एक बार अपना घूर्णन करती है तो वह कितने दिन का होता है, 24 घंटे का, कितना, एक परिक्रमा अपनी खुद अपनी अक्ष पर, अपनी अक्ष पर घूर्णन कर लेना या परिभ्रमण कर लेना, कितने दिन, कितने घंटे में कर लेती है हमारी पृथ्वी, कितने, 24 घंटे में एक परिभ्रमण कर लेती है, जिससे कि दिन और रात होता है, क्या होता है, दिन और रात होता है। घूर्णन कहें या परिभ्रमण, दोनों एक है, क्या है, घूर्णन कहें या परिभ्रमण, दोनों एक है। चलिए अब बात करते हैं कि यह परिक्रमा कितने दिन कर लेती है, परिक्रमा पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करती है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करती है, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है या सूर्य का चक्कर एक दिन में, मतलब कितने दिन में पूरा करती है, क्या पूरा करती है। तो क्या दिया गया है, जिसे हम 12 महीने कितना कहते हैं, 12 महीने यानी 365 दिन, क्या कहते हैं, 365 दिन। इसमें कहीं कहीं घंटा भी हो जाता है, जिसे लीप वर्ष भी कहा जाता है, 6 घंटे ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो फरवरी महीना 29 दिन का हो जाता है, तो उसे ही लीप वर्ष कहा जाता है, क्या कहते हैं, लीप वर्ष, जो कि 266 दिन का हो जाता है, क्या हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष, क्या कहलाता है, लीप वर्ष। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, उपग्रहों की संख्या एक है, पृथ्वी की उपग्रह की संख्या कितनी है, एक है, कितनी है भैया, एक है। यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप कॉपी में नोट करते चलिए, जो आपने पीछे वाला भी वीडियो नहीं देखा, इसमें आज आपको सब कुछ एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक, सबके दृष्टि से मैं बताऊँगा, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास में बने रहिए, ठीक। चलिए मंगल के पास आते हैं, तो भैया मंगल के पास आते हैं, तो मंगल क्या कहता है कि मेरा व्यास, क्या कहता है, मेरा व्यास कितना है, मंगल कहता है कि मेरा व्यास 6796 है, क्या है, मेरा व्यास 6796 किलोमीटर है, मेरा व्यास कितना है, 6796। मंगल जी कहते हैं कि मेरा व्यास 6796 है, इनका व्यास 6796 है। अब ये कहते हैं कि हम घूर्णन एक समय में कितना कर लेते हैं, एक कितना समय में हम अपने अपना खुद का घूर्णन कर लेते हैं, देखिए, तो यह अपना घूर्णन कितने समय में कर लेता है, 24 घंटे, कितना घंटे में, 24 घंटे में, लेकिन यह ज़्यादा करता है, क्या है, 24 घंटे 6 मिनट। इसे हम, ये हमारा पृथ्वी जो है यह 24 घंटे में करती है, लेकिन इससे कुछ एग्जैक्ट पॉइंट इसका है, कितना,
23.9 घंटे, कितना 23.9 घंटे, और इसका एग्जैक्ट पॉइंट है 24.6 घंटे। क्या है? 24.6 घंटे इसका एग्जैक्ट पॉइंट है। तो आप इसको लिख लीजिए, तो इसको इसमें हो जाएगा, यदि आप पृथ्वी को देखेंगे, इसको हम वैज्ञानिकों ने 24 घंटा पूरा कर दिया है, अगर आपको लिखना है एग्जैक्ट तो 23.9 घंटे, कितना 23.9 घंटे, और मंगल का एग्जैक्ट है 24.6 घंटे। क्या हो जाएगा? 24.6 घंटे में यह अपने अक्ष पर, अपने जगह पर क्या कर लेता है? घूर्णन कर लेता है या परिभ्रमण कर लेता है। कौन? मंगल। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं इसके परिक्रमा की। तो परिक्रमा ये कितने दिन में करता है? तो यह परिक्रमा करता है 687 दिन। कितने दिन में करता है? 687 दिन। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा यह 687 दिन में करता है। कितना करता है? 687 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? दो। क्या है? दो। इनके उपग्रह कौन कौन से हैं भैया? फेबोस और डेबोस, जो कि पूछा जाता है सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह पूरे सौर मंडल में किसका है? किसका है भैया? डेमोस। क्या कहते हैं? डेमोस। इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं? डेमोस। ठीक, किसे कहा जाता है? डेमोस को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। इसके दो ग्रहों का है कौन से? फेबोस और डेबोस। फेबोस और डेमोस या डेबोस कुछ भी दिया रहेगा, डेमोस दिया रहेगा, डेमोस होता ही है क्लियरिटी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति की। किसकी? बृहस्पति की। तो बृहस्पति पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब इसका व्यास देखिए कितना भारी है। इसका व्यास है 142,880। कितना है? 142,880 किलोमीटर। कितना है भैया? 142,880 किलोमीटर बृहस्पति का व्यास है। क्या है? 142,880 किलोमीटर बृहस्पति का व्यास है। क्या है? व्यास है। ठीक, अब देखिए यह घूर्णन कितने समय में कर लेता है? अपने अक्ष पर, अपने जगह पर, अपने जगह पर यह घूर्णन या परिक्रमण कितने जगह पर कर लेता है, कितने मिनट में कर लेता है, कितने घंटे में कर लेता है? देखिए 9.9 घंटे। कितना? 9.9 घंटे में यह अपना एक घूर्णन कर लेता है, घूम जाता है अपने जगह पर, घूमता है। कितने मिनट में, कितने घंटे में? सबसे जल्दी घूमने वाला, सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? कौन सा है भैया? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। सबसे जल्दी यह घूम जाता है। ससुरा क्या करता है? सबसे जल्दी घूम जाता है। हाय, तो बहुत भारी, पूरे सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह यही है। क्या है? सबसे भारी ग्रह यही है। और ससुरा अपने जगह पर बहुत जल्दी घूमता है। कहाँ घूमता है? बहुत जल्दी घूमता है। कितने मिनट में, कितने घंटे में? 9.9 घंटे में सबसे जल्दी घूमता है। पृथ्वी से भी यहाँ दिन रात कितने मिनट, कितने दिन का होता है? 9.9 घंटे का यहाँ दिन रात होता है। क्या होता है? 9.9 घंटे। ठीक, चलिए अब परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो परिक्रमा भी ये बहुत दिन लगा देता है। क्या लगाता है? बहुत दिन लगाने का मतलब ये है कि 11 वर्ष 9 महीने। यहाँ पर ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये पॉइंट के बाद, पॉइंट दशमलव के बाद लास्ट में, इससे इसकी जो छोटी इससे होगी, मतलब ये 11 वर्ष हो गया तो ये 9 महीने हो जाएगा, और जब यहाँ पे और अगर कुछ हो गया तो कितना हो जाएगा? वो घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, और वह हो गया तो सेकंड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे होता है। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा, तो कितने वर्ष में? 11 वर्ष 9 महीने। यूनिट किसकी लिखी जाएगी? बड़ी यूनिट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? बड़ी यूनिट लिखी जाती है। ठीक, क्या लिखी जाती है? बड़ी यूनिट लिखी जाती है। 11 वर्ष
नौ महीने में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 11 वर्ष 9 महीने में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? उपग्रहों की संख्या 67 है। कितनी है? 67, जो कि मान्यता हमारे वैज्ञानिकों ने मान्यता इनकी कितनी दी है? केवल 21 से 22 उपग्रहों की मान्यता दिए हैं। कौन दिए हैं? उपग्रह के मात्रा, जो उपग्रहों की मात्रा बृहस्पति को वैज्ञानिकों ने तकरीबन 21 से 22 दिए हैं, लेकिन इसके उपग्रह कितने हैं? तो कितने हैं भैया? 67। कितने हैं? 67। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? 67, मतलब बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और मान्यता के हिसाब से पूछेगा, वैज्ञानिकों द्वारा पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं? शनि के पास। किसके पास हैं भैया? सबसे ज़्यादा मान्यता के हिसाब से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? शनि के पास सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रह हैं। कितने हैं? मान्यता प्राप्त उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास मान्यता प्राप्त उपग्रह तकरीबन 21 ही हैं, और शनि के पास मान्यता प्राप्त उपग्रह तकरीबन 31 हैं। कितनी हैं? 31। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शनि की। शनि की बात आ जाते हैं, तो शनि क्या कहता है? शनि का व्यास कितना है? क्या शनि का व्यास कितना हो जाएगा? 120,500। कितना? 120,500। 120,500 किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उससे छोटा शनि, उससे फिर अरुण, फिर वरुण, सबसे छोटा बुध। क्या है? सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक, चलिए अब घूर्णन ये कितने दिन में कर लेता है? यह अपने जगह पर घूर्णन कितने दिन में करता है भैया? तो देखिए, घूर्णन यह अपने जगह पर घूर्णन यह 10 घंटे 30 मिनट के करीबन कर लेता है। कितना? 10 घंटे 30 मिनट। लिखा क्या जाएगा? 10.3 घंटे। क्या करता है? 10.3 घंटों में यह अपने जगह पर घूर्णन कर लेता है या परिभ्रमण कर लेता है। कितना जल्दी कर लेता है? 10.3 घंटे। कितना? 10.3 घंटे में यह अपना घूर्णन कर लेता है। ससुरा ये भी नाचता है, बहुत जल्दी नाचता है भैया। देखिए अब चलते हैं, बात करते हैं इसके परिक्रमण के बारे में। तो यह परिक्रमा कितने वर्ष में, अब यहाँ पर वर्ष में आ जाएंगे, कितने दिन में कर लेता है? तो देखिए, परिक्रमा यह सूर्य का परिक्रमा जो करता है यह दूर है। कहाँ है? दूर है। जितना दूर जाते जाएंगे उतना देरी लगेगी इसको परिक्रमा करने में सूर्य की। भैया यहाँ पर सूर्य स्थित है, तो यहाँ वाला तो जल्दी नाच लेगा जो कि बुध है, और उससे दूर वाला उससे वो नाचेगा, थोड़ा धीमे नाचेगा, उससे वो वाला और धीमे नाचेगा। ठीक, और उससे दूर वाला, सबसे दूर वाला, तो भैया फिर और दूर नाचेगा। जाहिर सी बात है कि सबसे दूर है ये, सबसे दूरी पर स्थित वरुण है हमारा। क्या है? वरुण स्थित है। तो यह कितने दिन में कर लेता है? 29। कितना? 29.5 वर्ष में यह परिक्रमा करता है सूर्य का। 29.5 वर्ष में यह परिक्रमा, एक परिक्रमा सूर्य का करता है। ठीक, एक परिक्रमा करता है सूर्य का। ठीक, अब इसके उपग्रहों की संख्या देखें तो इसमें उपग्रहों की संख्या 62 हैं। कितनी हैं? 62। मान्यता प्राप्त के हिसाब से मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। इस 62 में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या मान्यता प्राप्त है इस शनि को, लेकिन 67 इसके पास है बेचारे बृहस्पति के पास, तो इसको मान्यता केवल 21 का प्राप्त है। वैज्ञानिकों ने 21 को मात्रा प्राप्त दिया है कि 21 इसके उपग्रह होंगे। कितने होंगे? 21 होंगे। तो
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला अगर मान्यता प्राप्त से पूछा तो वो शनि हो जाएगा, और अगर मान्यता प्राप्त से नहीं पूछा तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति, क्या हो जाएगा, बृहस्पति। अब बात करते हैं अरुण की, बेहतरीन क्लास है, समझ में आएगी। अरुण करते हैं बात, तो ये अरुण क्या कहता है कि भैया अरुण क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं कि हमारा व्यास हो जाएगा 51,400 किलोमीटर, 51,400 किलोमीटर हमारा व्यास है। शनि जी कह रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं कि हमारा व्यास 51,400 ही है, क्या है, 51,400 है, और हम अपने घूर्णन पर, अपने अक्ष पर, अपने जगह पर इतने मिनट में, कितने मिनट में, 16.2 घंटों में हम कितने 16.2 घंटे में हम अपना घूर्णन कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 16.2 घंटों में हम अपना घूर्णन कर लेते हैं, अपने जगह पर घूम लेते हैं। भाई क्या कह रहा है कि 16.2 घंटों में हम अपना घूर्णन कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 16 घंटे 20 मिनट, 16 घंटे 20 मिनट में हम अपना घूर्णन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 16.2 घंटे में हम अपना घूर्णन कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके, ये सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो सूर्य का, ससुरा सूर्य का चक्कर इहू से ज़्यादा दिन में लगाता है, कितने दिन में लगाता है, इस सूर्य का चक्कर इहू से ज़्यादा दिन में लगाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 84 वर्ष में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 84 साल, क्या, 84 साल में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या तकरीबन 27 हैं, कितनी है, इसके उपग्रहों की संख्या 27 हैं, कितनी है भैया, 27, ठीक, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27। अब बात करते हैं वरुण की, फिर बात करते हैं क्वेश्चनों की इसकी, ठीक, इसकी बात करते हैं वरुण की, तो वरुण कहते हैं कि हमारा व्यास 49,100 किलोमीटर है, कितना है, 49,100 किलोमीटर है, और हम घूर्णन कर लेते हैं, 18 घंटे 50 मिनट, मतलब 18.5, क्या हो जाएगा, 18.5 घंटे, कितने दिन में कर लेते हैं भैया, तो कहते हैं कि हम 18.5 घंटे में घूर्णन कर लेते हैं, और यह कहते हैं कि हम परिक्रमा सूर्य की कितने दिन में करते हैं, बहुत रुतबा से बोलते हैं भैया ये, तो कहते हैं कि 164 साल तकरीबन 165 साल में यह परिक्रमा करता है, एक चक्कर लगाने में किसी की ज़िंदगी एक बार चली जाएगी, दूसरे की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, जी एक बार चक्कर लगेगी। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14, कितनी है भैया, 14, ठीक। देखिए ये ग्राफ बन गया आपका, बहुत बेहतरीन बना है, देख लीजिए एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप अगर लिखना भी ना चाहें तो आप इस ग्राफ को देख करके बिल्कुल समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितना है, कितना व्यास है इसका, कितना इसकी कितने दिन में यह चक्कर लगा लेता है, इसके बढ़ते घटते सभी क्रमों में आप इसको यही ग्राफ के हिसाब से आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर पता यह भी कर सकते हैं कि इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है। किसी भी दृष्टि से क्वेश्चन पूछे, किसी भी दृष्टि से क्वेश्चन पूछे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपको यह ग्राफ याद रहेगा तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा इससे, ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए सबसे छोटा ग्रह, सबसे सूर्य का नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, पहले क्वेश्चन बताइए कौन सा ग्रह है सबसे छोटा,
बोलिए भैया कौन सा छोटा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। क्या हो जाएगा? बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। व्यास से भी इसके समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है, जो कि किलोमीटर में दिया हुआ है। सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य का जो सबसे कम समय में परिक्रमा कर सके वह कौन सा ग्रह है? जो कि बुध ही है। भैया पास में है, सूर्य के पास में है, तो वह सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेगा। क्या कर लेगा? परिक्रमा कर लेगा। ठीक, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अपने जगह पर सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है। क्या लेता है? सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है, जो कि कितना लेता है? 245 दिन अपने जगह पर इसे सूर्य घूमने के लिए 243 दिन लेता है, मतलब 2-4-3 दिन लेता है, 243 दिन लेता है यह अपने घर अपने अक्ष पर अपने जगह पर घूमने के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे जल्दी अपने जगह पर घूम लेने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे जल्दी अपने जगह पर घूर्णन कर लेने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है कौन सा? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति, जो कि पृथ्वी से भी तेज घूमता है। क्या है? पृथ्वी से भी तेज घूम लेता है, अपने जगह पर इसे सूर्य घूम लेता है। क्या करता है? घूर्णन कर लेता है अपने जगह पर। ठीक, कितना ले लेता है? 9.9 घंटे में ही पूरा कर लेता है। क्या कर लेता है? 9.9 घंटे में ही पूरा कर लेता है। ठीक, तो ये ग्राफ की दृष्टि से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा क्या है सौरमंडल, क्या नहीं है। इस ग्राफ को आप याद रखिए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक, चलिए दो ऐसे ग्रहों के नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं हैं। क्या है? उपग्रह नहीं है। साफ सुथरा समझ में आ रहा है कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। किसका एक उपग्रह है? किसका है? पृथ्वी का, जिसका नाम मून है। ठीक, जिसका नाम मून है। ठीक, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त किस चीज़ की, किस ग्रह की सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो क्या हो जाएगा? शनि। क्या हो जाएगा? शनि। और अकेले पूछ लिया कि किस कौन सा ग्रह है जिनके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति, जिसके 67-72 तकरीबन हैं, ऐसे ही हैं। ठीक, 72 तक हैं इसके, 67 यहाँ पर दिया है लेकिन 72 तक भी हैं। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, उसके बाद फिर शुक्र, फिर उसके बाद फिर पृथ्वी हो जाएगा, मंगल। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम घटते छोटे से बड़े क्रम में, इसमें भी आपको पूछ लेता है कि बड़े से छोटे क्रम में आप लिखिए कि कौन सा सबसे ऐसे ग्रह हैं। क्या हैं? बड़े से छोटे क्रम में आप बताइए कि कौन कौन से ग्रह आएंगे। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, साफ सुथरा व्यास देखिएंगे आप। क्या देखेंगे? व्यास देखेंगे और आपसे पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, उससे छोटा शनि, अरुण, फिर वरुण। इनको चारों को आप लिखेंगे। बाह्य ग्रहों को आप पहले लिख लेंगे, बड़े से छोटे ग्रहों में आपको लिखना है जैसे, तो क्या कर लेंगे? बाह्य ग्रह को जो क्षुद्र ग्रह के बाहर हैं, जो क्षुद्र ग्रह के बाहर हैं उनको हम क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह हैं। और जो क्षुद्र ग्रह के अंदर ग्रह हैं उनके क्या कह देंगे? आंतरिक ग्रह हैं। क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। ठीक, चलिए तो क्या लिखेंगे पहले आप? बाह्य ग्रहों को लिखेंगे जो कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं बाह्य ग्रह में, इनको आप लिखेंगे बढ़ते से घटते क्रम में। फिर कौन सा है हमारा? तो क्या है? पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर बुध। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बढ़ते से घटते क्रम में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसकी व्यास देखेंगे और चुपचाप लिख देंगे, तुरंत फटाक से लिख देंगे। घूर्णन की दृष्टि से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घूर्णन कौन कर लेता है, कौन सा सबसे तेज घूर्णन करता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा?
पहले हो जाएगा क्या, बृहस्पति अपने जगह पर घूम लेता है सबसे जल्दी, कौन घूमता है, बृहस्पति, फिर उसके बाद घूमता है आपका शनि, फिर दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा शनि, फिर हो जाएगा अरुण, फिर हो जाएगा वरुण। इसको भी घूर्णन की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इतने घंटों में ये घूम लिया, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, फिर ये होने के बाद सबसे जल्दी घूमता है ये क्या है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब इसके बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी पृथ्वी, फिर हो जाएगा हमारा बुध, फिर हो जाएगा शुक्र। ये हो गया हमारा घूर्णन की दृष्टि से, देख लीजिए साफ सुथरा ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पर घूर्णन की दृष्टि से, ठीक। चलिए अब बात करते हैं परिक्रमण की दृष्टि से, बताइए कि परिक्रमण की दृष्टि से पूछ लिया, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं, परिक्रमा कौन कितना जल्दी कर लेता है, तो परिक्रमा कौन सबसे जल्दी करता है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए परिक्रमा कौन सबसे जल्दी करता है। तो पहले जल्दी करते हैं कौन भैया, दिन, ये हो जाएगा 88 दिन, जो कि जिनका नाम बुध है, यह सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। उसके बाद फिर कौन करती है, पृथ्वी, क्या करती है पृथ्वी, उसके बाद फिर ये शुक्र हैं, जो कि शुक्र हैं, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेते हैं, 224 दिन, कितने दिन में, 24 दिन, 224 दिन में यह एक सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो दूसरे नंबर पर कौन है, शुक्र, तीसरे नंबर पर हो जाएंगी आपकी पृथ्वी, घूमने वाला सूर्य का चक्कर लगाती हैं कि क्या हो जाएंगी पृथ्वी, फिर हो जाएगा मंगल, फिर हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक। ये एक फॉर्म से एक ही उसमें है दिया है, जो कि आपको केवल लिख देना है, लिखते चले जाना है ऊपर से नीचे तक सीधा सीधा। उपग्रहों की संख्या किसकी कितनी है, तो कौन सी है भैया, उपग्रह जिनके कोई ग्रह नहीं है, दो ग्रह हैं, साफ सुथरा जीरो सो हो रहा है, जिसका एक उपग्रह है पृथ्वी है, जिसके दो उपग्रह हैं जिनका नाम फेबोस एंड डेमोस है, वो कौन से हैं, मंगल, मंगल जी के दो उपग्रह हैं। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद फिर कौन सा है शनि, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा अरुण, फिर वरुण, ठीक, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुण और वरुण। चलिए यहाँ तक आ गई होगी क्लास समझ में, बिल्कुल आई होगी, इसको आप ग्राफ बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के बारे में अक्षांश देशांत के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, कौन से क्या है, कर्क रेखा कहाँ से क्या है, ग्रीनविच, ठीक, सभी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास यहीं तक रखते हैं, क्लास को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक। जय हिंद।